फ्रेंड्स, पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। दोस्तों, हमने क्लास 7th संस्कृत के सारे चैप्टर हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बाकी के वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो सीधे आप पाल माई नॉलेज टू यू इस पर क्लिक करके आप बाकी सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में क्लास 7th के रुचिरा पुस्तक का नाम है सीबीएसई बोर्ड के त्रयोदश पाठ यानी कि 13वें पाठ, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और एक एक शब्द का अर्थ हम इसमें आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति, यानी कि संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। विश्वस्य यानी कि विश्व की, उपलब्धासु यानी कि उपलब्ध भाषाओं में, भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासाम भाषाणाम जननी मात्मता। भाषेयम् यानी कि भाषा प्लस अयम यानी कि यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीनयः ज्ञान विज्ञानयः निधिः अस्याम सुरक्षितः, यानी कि इसमें प्राचीन ज्ञान तथा विज्ञान का निधि यानी कि खजाना, इसमें प्राचीन ज्ञान तथा विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम् संस्कृतिस्तथा, यानी कि संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि यानी कि किसी ने कथितम यानी कि कहा है, यानी कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है भारत की प्रतिष्ठा में, भारत की दो प्रतिष्ठा संस्कृत तथा संस्कृति है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी कि कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। सर्वोत्तम यानी कि सबसे उचित भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धिमस्ति। अस्य यानी कि इसकी साहित्य वेदों पुराणों में नीति शास्त्रों में और चिकित्सा शास्त्र आदि में आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदासादिनाम विश्वकवीनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी कि कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य संस्कृत में अनुपम है या अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति, यानी कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्री शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, यानी कि गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्री चरक श्रुतयः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक तथा सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृति यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि, यानी कि संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र हैं या विद्यमान हैं उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं या उल्लेख के योग्य हैं। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम् विद्यायामृतमश्नुते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः, यानी कि संस्कृत भाषा में विद्यमान सुंदर वचन मनुष्य को कल्याण के लिए
प्रेरित करते हैं, जैसे सत्य की ही जीत होती है। पूरी पृथ्वी परिवार है। विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है और कार्यों में कौशल ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति, यानी कि सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार शिक्षयति यानी कि शिक्षा देती है, यानी कि सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यानी कि ऐसी धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाया विधायाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, यानी कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक अनेक विषय सम्मिलित हैं। समाविष्ट यानी कि सम्मिलित। महापुरुषाणां मति ही उत्तम जनानां धृति ही सामान्य जनानां जीवन पद्धति ही च वर्णिताः सन्ति, यानी कि महापुरुषों की बुद्धि, मति यानी कि बुद्धि, उत्तम लोगों का धृति यानी कि धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य और समाज का सुधार हो सके। उक्तञ्च यानी कि कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम्, यानी कि मित्र संस्कृत अमृत है, सरस तथा सरल या आसान वाणी है, वचः यानी कि वाणी, भाषाओं में जो आदरणीय है और ज्ञान और विज्ञान का पोषक है या पोषण करने वाली है, वही संस्कृत भाषा है। दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।